कंगना रनौत ने विकी कौशल कटरीना कैफ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा नोट पेन डाउन किया है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली उन दोनों को लेकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी किस तरीके से आजकल की एक्ट्रेसेस स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं, इस बारे में बात करते हुए कंगना ने क्या इनडायरेक्टली हिंट किया है, चलिए आपको बताती हूँ। हम सभी जानते हैं विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी इस वक्त सबसे ज्यादा हाइप्ड चल रही है, हर तरफ एक ही जिक्र है, हर कोई आज के दिन तस्वीरों का इंतजार कर रहा है कि आखिर कब विकी और कटरीना की शादी की तस्वीरें आउट होंगी। आज के दिन ये वेडिंग फंक्शन हो रहा है और राजस्थान में हो रहा है। इस बारे में बात तो कंगना ने डायरेक्टली नहीं की है, लेकिन हाँ स्टीरियोटाइप को लेकर काफी कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, पिछले कई समय से हम देख रहे हैं एक्ट्रेसेस अपने इच्छा अनुसार शादी करती हैं, जिससे वो चाहे शादी करती हैं। कहीं ना कहीं एक एज बैरियर को बहुत बार कंसिडर किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उस एज बैरियर को टूटते देखा है। पिछले कुछ सालों में औरतें एक स्पेसिफिक एज तक ही शादी लायक होती हैं, इस बैरियर को टूटते देखा है। और इसी बारे में कंगना बात करते हुए कहती हैं, ग्रोइंग अप वी हर्ड सो मेनी स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल रिच मैन मैरिंग सच मच यंगर वुमेन। फॉर वुमेन टू बी मोर सक्सेसफुल देन देयर हस्बैंड वाज सीन एज अ मेजर क्राइसिस। फॉरगेट मैरिंग अ यंगर मैन आफ्टर अ सर्टेन एज मैरिज वाज इम्पॉसिबल फॉर वुमेन। Nice to see rich and successful women, leading ladies of Indian film industry, breaking the sexist norms. Kudos to men and women both for redefining gender stereotype. ये उन्होंने कटरीना को indirectly hint करते लिखा है, इनफैक्ट हर उस एक्ट्रेस को जिसने stereotype को ब्रेक किया है। वेल, आपको क्या है कहना कंगना की इस खास बात पर, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।